देश की रक्षा के लिए हथियार उठाने वाले फौजी। कैसे बन जाते हैं बागी? कैसे हालात उन्हें बिहड़ में बंदूक उठाने को मजबूर कर देते हैं? देश में आज हजारों युवा ऐसे हैं जो कड़े संघर्ष के बाद भी भारतीय सेना में भर्ती होने का सपना पाले हुए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे फौजी की जो 2 महीने की छुट्टी लेकर गांव आया था ताकि घर वालों से मिल सके, लेकिन हालात ने उसे बीहड़ में कूदने को मजबूर कर दिया और बना दिया चंबल का एक दुर्दांत डकैत। हम बात कर रहे हैं कुख्यात डाकू बहादुर सिंह कुशवाहा की, जिसे सब मुखिया के नाम से जानते हैं। बहादुर फौज से 2 महीने की छुट्टी पर गांव आया था, लेकिन बन गया डकैत। कोर्ट ने 80 साल की सजा सुनाई पर 5 साल में छूट गया। बहादुर सिंह के मुताबिक मुरैना में उनके दादा कमल सिंह का बड़ा नाम था। उनके नाम पर ही गांव का नाम कमला का पूरा पड़ा था। वे 150 बीघा जमीन के मालिक थे। बहादुर सिंह के पिता छेहू सिंह 6 भाइयों में तीसरे नंबर के थे। मां बाप बचपन में ही गुजर गए थे। बड़े भाई भगवान लाल सिंह और बहादुर ने अपने आप को संभाला और जीवन में आगे बढ़े। बहादुर ने 5वीं तक की पढ़ाई की थी। 17 साल का हुआ तो फौज में नौकरी लग गई। 18 साल होने पर नौकरी पक्की हुई। फौज में न जाने कब छुट्टी मिले तो सूबेदार से जिद करके 2 महीने की छुट्टी ली ताकि परिवार से मिलजुल सके और गांव का आनंद ले सके। गांव लौटा तो बड़े भाई भगवान लाल ने बताया कि चचेरे भाई पत्तू ने उनके हिस्से की 10 बीघा जमीन हड़प ली है। उसे वापस लेने के लिए कई बार विवाद हुआ। उन्हें लगा आज नहीं तो कल चचेरा भाई मान ही जाएगा। थाने में रिपोर्ट हो गई। थानेदार चचेरे भाई के प्रभाव में था। उसने बहादुर और उसके भाई की एक न सुनी। उसके बाद वो समाज की पंचायत में गए। वहां भी कोई उनके पक्ष में खड़ा नहीं हुआ। सब के सब चचेरे भाई की दबंगाई से डरते थे। चचेरे भाई की दबंगई सह नहीं हुई। उसे सबक सिखाने की ठान के बहादुर घर से निकल गया। 3 साल तक बहादुर इधर उधर भटकता रहा। आखिर में 22 की उम्र में 1962 में चंबल के बिहड़ पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात डाकू माधव सिंह और उसके गैंग से हुई। माधव सिंह चंबल का बड़ा डकैत था। तब बहादुर को मिलाकर उनकी गैंग के 9 सदस्य हो गए थे। बहादुर की समस्या सुनकर माधव सिंह बोले कि परेशान न हो, वो समझौता करा देंगे, फिर तुम गांव लौट जाना। लेकिन बहादुर तो पत्तू को सबक सिखाने की ठान चुका था। मुकदमा दर्ज होने के कारण बहादुर की फौज की नौकरी भी चली गई थी। गांव लौटकर करता भी क्या, इसलिए बिहड़ में ही रह गया। 1965 में बहादुर का अचानक पत्तू से सामना हो गया। उसने मुखबिर की जानकारी के आधार पर चचेरे भाई पत्तू को खोज निकाला। पत्तू 2 गोलियों में ही गिर पड़ा, लेकिन बहादुर का इतना गुस्सा सवार था कि उसने एक के बाद एक 28 गोलियां उसके सीने में उतार दी। उस समय रेडियो और अखबार का दौर था। हर बात कुछ समय बाद फैलती थी। खबर फैली तो बहादुर इस कांड के बाद फेमस हो गया था। इस अपराध के बाद बहादुर माधव सिंह के हर अपराध में भागीदार बना। उनके गैंग की अक्सर पुलिस से मुठभेड़ होती जाती थी। माधव सिंह और हरविलास की अगुवाई वाली गैंग देखते ही देखते 110 सदस्यों की हो गई थी। बहादुर सिंह ने बताया कि इलाके के धनी आदमी जो गरीबों का खून चूसते थे, उन्हें धमकी भरी चिट्ठी भेजकर वसूली की जाती। जो पैसा नहीं देते उन्हें अगवा कर लिया जाता था। बिहड़ में रहने वाले डाकुओं का असल काम अमीरों से पैसा वसूलना था। ज्यादा पैसे वालों को चिट्ठी भेजकर पैसे मंगाए जाते थे। पैसा नहीं देने वालों को उठा लिया जाता था। डाकू किसी अपहत को कभी परेशान नहीं करते थे। उन्हें अच्छे से रखते थे। कई बार फिरौती वसूलने में 6 से 8 महीने का लंबा वक्त भी गुजर जाता था, तब फिरौती की रकम मिल पाती थी। बिहड़ में डाकुओं की अक्सर पुलिस वालों से मुठभेड़ हो जाती थी। चंबल के बिहड़ को डाकुओं से ज्यादा पुलिस नहीं जानती। यही वजह थी कि जब गैंग के सदस्य मुठभेड़ में घायल होते तो पुलिस के 15 से 20 लोग जान गंवाते थे।
घायल होने पर डाकू जंगल में डॉक्टर को बुला लेते थे। जंगल में ही छोटे मोटे ऑपरेशन हो जाते थे। एक मुठभेड़ के दौरान बहादुर की गर्दन में गोली लगी थी, अब भी उसका निशान गर्दन पर है। बहादुर अपने नए जीवन को गांधीवादी सुब्बाराव की देन मानते हैं। वे भगवान की तस्वीर के साथ सुब्बाराव की तस्वीर रखते हैं। बहादुर का कहना है कि 70 के दशक में डाकुओं की गैंग को बटालियन और लीडर को मुखिया बोला जाता था। उस समय एमपी, यूपी और राजस्थान की पुलिस ने गैंग पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। गिरोह के दूसरे सदस्यों पर भी 5,000 से 10,000 रुपए तक का इनाम था, लेकिन कोई भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए गैंग के सदस्य रणनीति बनाकर चलते थे। उस समय गिरोह के लोग जंगल और बीहड़ में ही रहते थे। जहां खाना बनाते वहां आराम नहीं करते थे। कोई मिलने आता तो उस जगह को तुरंत छोड़कर नई जगह चले जाते। गिरोह में जो जितना पुराना डकैत होता था उसकी इज्जत उतनी अधिक होती थी। बहादुर सिंह के मुताबिक आजादी मिलने के बाद गांधीवादी डॉक्टर एस एन सुब्बाराव चंबल आए। यहाँ का पिछड़ापन देखकर वो बहुत दुखी हुए। उन्होंने कई डकैतों का आत्मसमर्पण करवाया। बहादुर सहित सभी डकैत उन्हें भाईजी कहकर संबोधित करते थे। उस समय चंबल में बहादुर के गिरोह के अलावा पुतलीबाई, मोहर सिंह, हरविलास, मलखान सिंह सहित कई गिरोह सक्रिय थे। कभी पुलिस से मुठभेड़ तो कभी आपस में गैंगवार होता ही रहता था। चंबल में डाकुओं की समस्या देख भाईजी ने पहल की। वो एक मध्यस्थ के साथ गैंग लीडर माधव सिंह से मिले। भाईजी बोले कि तुम लोगों का रास्ता गलत है, अच्छा रास्ता चुनना चाहो तो मैं सरकार से बात करूंगा। बांग्लादेश की आजादी के समय वहां भी डकैतों का आतंक था, तब आचार्य विनोबा भावे ने समर्पण करवाया था। सभी डाकू बाद में छूट गए थे। उनका हवाला देकर बहादुर सिंह और माधव सिंह की गैंग को आत्मसमर्पण के लिए सहमत कराया गया। इसके बाद डाकुओं को भी समझ आया और सब आत्मसमर्पण को तैयार हो गए। समर्पण के बाद कोर्ट ने बहादुर को 80 साल की सजा सुनाई। हालांकि जेल में 5 साल ही रहना पड़ा, शेष सजा माफ कर दी गई। जेल में रहने के दौरान रिश्तेदारों ने बहादुर की शादी तय कर दी। बहादुर 1 महीने की पैरोल लेकर शादी करने गया था। उसकी जीवन संगिनी सिंगार देह गांव की जमाताबाई बनी। उसे भी पता था कि बहादुर का अतीत चंबल है, लेकिन उसने बहादुर के वर्तमान को देखकर शादी करना तय किया था। 1 महीने ही वो साथ रह पाई। पैरोल खत्म होने के बाद बहादुर फिर जेल चला गया। 1977 में बहादुर जेल से रिहा हुआ, तब परिवार बढ़ाया। उसके 3 बेटे, 2 बेटियां, बहुएं, 6 नाती, 7 नातिनों का कुल 21 लोगों का भरा पूरा परिवार है। जिस 10 बीघा जमीन के चलते बहादुर डकैत बना, उसे बाद में उसने 20,000 रुपए में बेच दिया। आज बहादुर सिंह का जीवन जौरा गांधी आश्रम के एक कमरे में गुजर रहा है। वो गांधीवादी बनने के बाद लोगों को जागरूक करते रहते हैं। बहादुर के मुताबिक अभी जो डकैत बन रहे हैं उनमें और पुराने समय के डकैतों में जमीन आसमान का फर्क है। पुराने समय के डकैत किसी गरीब को परेशान नहीं करते थे, बहन बेटी को नहीं छेड़ते थे, जेवर नहीं उतरवाते थे। अब के डकैत तो बहन बेटी के कपड़े तक उतरवा लेते हैं। बहादुर का आज भी मानना है कि अच्छे बागी को पुलिस कभी जिंदा नहीं पकड़ सकती। हालांकि अब ये रास्ता गलत है और इसे छोड़ देना चाहिए।